हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज सबसे पहले सिग्नेचर डिज़ाइन से कमलेश की। तो कमलेश, आप इस प्रकार से पहला अल्फ़ाबेट देवनागरी में ट्राई कर सकते हो, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। इसका अनुसरण करके आप एक नई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो इसको ज़रूर आप अपनाइएगा और एक नई डिज़ाइन क्रिएट कीजिएगा। इसी दरमियान नेक्स्ट सिग्नेचर डिज़ाइन से सिमरन के लिए। सिमरन आप इस प्रकार से ट्राई कर सकती हो, जस्ट जिसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप एक डिज़ाइन अपनी रेगुलर हैंडराइटिंग में ट्राई कीजिएगा। तो ये सिमरन आपके लिए है इस प्रकार से। अपने सिग्नेचर डिज़ाइन से पर्वत सिंह के लिए। तो पर्वत सिंह, आप पहले सबसे पहले पी को इस प्रकार से रोटेट कीजिएगा ओवरलैपिंग में, और इस प्रकार से बनाने की सुंदर सी सिग्नेचर स्टाइल्स को आप डिज़ाइंस कर सकते हो मेरी एक आइडियाज़ के रूप में। इस रूप में ये जस्ट एक आइडियाज़ है, आप इसका अनुसरण करके एक नया डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। इसी दरमियान नेक्स्ट है राशिद के लिए। तो राशिद आप पहला अल्फ़ाबेट हिंदी में ट्राई कर सकते हो, बाकी आप इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक सिंपल एंड इजी वे में आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। इसी दरमियान नेक्स्ट है लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी आप पहले अपनी देवनागरी में ट्राई कीजिएगा सारे अल्फ़ाबेट जैसे मैंने अभी क्रिएट किया है इस प्रकार से। इसी दरमियान नेक्स्ट है शुमा के लिए भी आप इस प्रकार से पहला अल्फ़ाबेट फ्लोरिस अल्फ़ाबेट बनाइए एक डेकोरेटिव फॉन्ट में, और बाकी अल्फ़ाबेट एक रिदमिक बैलेंस में क्रिएट कीजिएगा। इसी दरमियान नेक्स्ट है मोहत आप पहला अल्फ़ाबेट हिंदी में ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से, और बाकी आप इंग्लिश के कर्सिव राइटिंग्स में ट्राई कर सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट है शमीर, आप भी देवनागरी का पहला अल्फ़ाबेट हिंदी में बनाइएगा देवनागरी में, बाकी आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो इस प्रकार से। ये इसी दरमियान नेक्स्ट है श्वेता के लिए। श्वेता आप पहला अल्फ़ाबेट हिंदी में ट्राई कीजिएगा और फिर बाकी इंग्लिश में। इस प्रकार से एक आइडियाज़ है श्वेता आपके लिए, जस्ट इसका अनुसरण करके आप नई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट डिज़ाइन है सतीश, आप भी पहला हिंदी में ट्राई कीजिएगा पहला अल्फ़ाबेट और बाकी इंग्लिश में। इस प्रकार से एक जस्ट आइडियाज़ है, आप इसका अनुसरण करके एक नई सिग्नेचर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हिमांशी, आप इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकती हो, जस्ट ये एक आइडियाज़ है आपके लिए। इसी दरमियान नेक्स्ट है प्रिया, आप पहले देवनागरी में सारे अल्फ़ाबेट इस प्रकार से क्रिएट कर सकती हो जस्ट। इसी दरमियान नेक्स्ट है जनीशा के लिए। तो जनीशा पहला अल्फ़ाबेट आप फ्लोरिस एक डेकोरेटिव फॉन्ट में बनाइएगा, बाकी आप रिदमिक बैलेंस में सारे अल्फ़ाबेट को एक ही लाइन में क्रिएट कीजिएगा जैसे इस प्रकार से मैंने किया। तो नेक्स्ट सिग्नेचर डिज़ाइन है महादेव के लिए। महादेव आप पहला अल्फ़ाबेट महादेव इस प्रकार से बना सकते हो। इसी दरमियान नेक्स्ट है भवानी, आप जस्ट एक पहला अल्फ़ाबेट फ्लोरिस कर्सिव राइटिंग में ट्राई कीजिएगा और एक नया आइडियाज़ इस प्रकार से आप बना सकती हो भवानी। इसी दरमियान नेक्स्ट है शमीर, फ्लोरिस में एश और बाकी एक रिदमिक बैलेंस में क्रिएट कर सकते हो समीर आप। इसी दरमियान नेक्स्ट है राशिद, आपके लिए एक सिग्नेचर डिज़ाइन से इस प्रकार से राशिद आप एक नया डिज़ाइन और क्रिएट कर सकते हो आपके लिए अनदर सिग्नेचर से। और नेक्स्ट एंड लास्ट सिग्नेचर डिज़ाइन से पर्वत सिंह के लिए। पर्वत सिंह पहले आप पहला अल्फ़ाबेट देवनागरी में और बाकी सारे इंग्लिश में ट्राई कर सकते हो इस प्रकार से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो एक बनता है प्लीज़।